कोटखाई में छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस पर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। छात्रा के परिजनों ने पुलिस की जांच पर असंतोष जताया है। उनका कहना है पुलिस असली आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। इसके अलावा स्थानीय लोग भी पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। उधर सूत्रों का कहना है कि मामले में सबसे पहले पकड़े गए आरोपी आशीष चौहान को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। कल शाम को तो नहीं मिली होगी। जो लड़के वायरल हुए उन्होंने फिर एफ आई आर क्यों नहीं किया। कोर्ट ने हालांकि उसे 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। उधर मामले के 5 अन्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि 9 दिन की जद्दोजहद के बाद शिमला पुलिस ने कोटखाई रेप और मर्डर केस में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी 19 से 42 साल के बीच के हैं। इनमें 2 आरोपी हिमाचल, 2 नेपाल और 2 उत्तराखंड से हैं। प्रदेश डीजीपी सोमेश गोयल ने वीरवार शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मामले का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में राजेंद्र सिंह उर्फ राजू हलाइला गाँव कोटखाई की भूमिका सबसे अहम रही। मोनिका कटोच, ब्यूरो न्यूज़ शिमला। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।